बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई के बैनर तले LIC के तमाम कर्मियों ने भोजन अवकाश के दौरान भंडारीडीह के समीप LIC कार्यालय के द्वार पर बुधवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान आगामी 28-29 मार्च को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के लिए अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता जताई और इस आहूत हड़ताल की सफलता के लिए तैयारियों की समीक्षा की। मौके पर मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि पूरे देश के कुल 10 ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से भारत सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों, विनाशकारी आर्थिक नीतियों, जन विरोधी नीतियों, सरकारी उपक्रमों के अनावश्यक निजीकरण की मुहिम, देश की परिसंपत्तियों को निजी औद्योगिक घरानों को सौंपने के लिए किए जा रहे अनावश्यक विनिवेशीकरण, बेतहाशा महंगाई, भीषण बेरोजगारी, आम जन सरोकार के मुद्दों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ आगामी 28 एवं 29 मार्च को अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण हड़ताल का आह्वान किया है। इस द्वार प्रदर्शन में LIC में प्रस्तावित IPO के पुरजोर विरोध में, PSUs में विनिवेशीकरण के विरोध में, LIC में फैमिली पेंशन में सुधार के लिए न्यू पेंशन स्कीम को निरस्त कर उसके स्थान पर 1995 पेंशन स्कीम को सभी LIC कर्मियों पर बहाल करने हेतु, LIC में भी पेंशन में पीरियोडिक अपडेशन करने के लिए एवं LIC में तृतीय एवं चतुर्थ संकाय में नियमित बहाली चालू करने की अपनी तमाम न्यायोचित मांगों के त्वरित समाधान के लिए LIC प्रबंधन पर दबाव को और धारदार बनाएंगे। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, संयुक्त सचिव विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, कुमकुम वाला वर्मा, डेनियल मरांडी, श्वेता कुमारी, अंशु सिंघानिया, अंजलि, श्वेता प्रज्ञा, आनंद, सवा प्रवीण, दीपक कुमार पासवान, नीरज कुमार सिंह, नीतीश कुमार, प्रवीण कुमार, संजय कुमार शर्मा, विजय कुमार, गौरव कुमार सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज 28-29 मार्च 2022 को आहूत दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के प्रिपरेशन के लिए गेट डिमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम रखा गया है। आज भारत स्तर पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह द्वार प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ज्ञातव्य हो कि 28-29 मार्च को देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन तथा 200 से अधिक एसोसिएशन और फेडरेशन के द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है और सरकार से इस हड़ताल के माध्यम से मांग किया जा रहा है कि बेतहाशा केंद्र सरकार बेतहाशा जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है उस पर अविलंब रोक लगाई जाए तथा LIC का जो IPO आ रहा है उसे वापस लिया जाए। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने में लगी हुई है तमाम सेक्टर्स को, चाहे कोयला हो, इस्पात हो, लोहा हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, एविएशन हो, रेलवे हो, तमाम सेक्टर्स को बेच करके इस देश के दो कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है जो बहुत खतरनाक है। आने वाले दिनों में ये देश के लिए बड़ा ही घातक होगा कि तमाम सेक्टर हमारे जो है वो दो कंपनियों के हाथों में रह जाएगा। इन तमाम इशूज को लेकर के देश के तमाम से ट्रेड यूनियन और किसान महासभा, भारतीय किसान महासभा संयुक्त रूप से ये हड़ताल का आह्वान किया गया।